हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल ज्ञान गोविंद। टुडे वी शैल नो हाउ टू राइट एन इम्प्रेसिव एसे। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे किस तरह से आप एक बेहतर एसे लिख करके, निबंध लिख करके आप एग्ज़ाम में फुल मार्क्स ला सकते हैं। ये एसे जो है, आप टेंथ हो या ट्वेल्थ हो, कोई क्लास मैटर नहीं करता। इट डजेंट मैटर इन विच क्लास डू यू रीड इन, मैटर नहीं करता है कि आप किस क्लास में। ये ऑल ओवर सभी क्लास के लिए हैं, या फिर वैसे स्टूडेंट जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश पे अपने लैंग्वेज पे पकड़ बनाना चाहते हैं, उन्हें ही मस्ट रीड एसे एंड ही मस्ट राइट एन एसे। उसे ऐसे लिखना चाहिए एवं पढ़ना चाहिए जो इंग्लिश लैंग्वेज पे पकड़ बनाना चाहते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि न्यूज़पेपर पे कैसे एक बेहतर एसे लिख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। न्यूज़पेपर इज ए सोर्स ऑफ अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन दिस फास्ट मूविंग वर्ल्ड। इट इज पब्लिश्ड ऑन डेली, वीकली एंड मंथली बेसिस। इट इज पब्लिश्ड इन ऑलमोस्ट एवरी लैंग्वेज। इन इंडिया इट इज पब्लिश्ड इन हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी एंड एक्सेट्रा। एट द प्रेजेंट टाइम न्यूज़पेपर रिवोल्यूशन हैज स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। Nowadays, we all have become more aware of their knowledge. Regularly reading a newspaper is a good habit. We should also have the habit of reading newspaper. Newspaper provides us a lot of information. What is happening in our society, city, state, and country? It gives us information about the new things coming in school, courts, office, hotels, and markets. It gives us information about politics, cinema, sport, etc. It also gives us information about the current affair of the country and the world. It is the most important thing which is used by all religion. तो दोस्तों, अब हम इसका हिंदी जानते हैं, फिर से हम रीड करते हैं और साथ में इसका हिंदी बताते हैं। तो आप ध्यान से इसे सुनिए और इसी तरह से एग्जाम में आपको हिंदी याद रखना है और हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करके आपको एग्जाम में आंसर लिखना है। हम इसका हिंदी बताते हैं। न्यूज़पेपर इज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन दिस फास्ट मूविंग वर्ल्ड। इट इज पब्लिश्ड ऑन डेली, वीकली एंड मंथली बेसिस। न्यूज़पेपर जो है वो इस तेजी से चलने वाली दुनिया में सूचनाओं का एक स्रोत है। इसे जो है साप्ताहिक, दैनिक या मंथली बेसिस पे आधार पे इसे पब्लिश किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है। इट इज पब्लिश्ड इन ऑलमोस्ट एवरी लैंग्वेज। ये लगभग सभी भाषाओं में प्रकाशित की जाती है। साथ ही इन इंडिया इट इज पब्लिश्ड इन हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश एंड मैनी अदर लैंग्वेज। भारत में यह हिंदी में, पंजाबी में, उर्दू में और इंग्लिश में, साथ ही अनेक भाषाओं में प्रकाशित किए जाते हैं। एट द प्रेजेंट टाइम न्यूज़पेपर रिवोल्यूशन हैज स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। वर्तमान समय में ये जो न्यूज़पेपर का क्रांति है, रिवोल्यूशन है, या पूरे दुनिया में फैल गई है। Nowadays, all have become more aware of their knowledge. आजकल सभी लोग अपने ज्ञान को लेकर ज्यादा जागरूक हो गए हैं, अवेयर रहते हैं, वो न्यूज़पेपर को पढ़ना पसंद करते हैं। Regularly reading a newspaper is a good habit. सभी दिन रेगुलरली, नियमित अखबार को पढ़ना एक अच्छी आदत है। We should also have the habit of reading newspaper. हमें भी आदत होनी चाहिए newspaper पढ़ने की। It provide us information of what is happening in our society, city, state and country. यह हमें सूचना देता है कि हमारे शहर में, समाज में, देश में क्या हो रहा है। It gives us information about new things coming in school, office, courts,
कॉलेजेस एंड एक्सेट्रा। यह हमें सूचना देता है कि हमारे स्कूल में, बैंक में, ऑफिस में, मार्केट में क्या क्या नए बदलाव आए हैं, नई चीजें आई हैं, उसके बारे में सूचना देती है। इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा। यह जो है हमें सूचना देती है राजनीति के बारे में, सिनेमा के बारे में और खेल से संबंधित सूचनाओं को ये प्रोवाइड कराती है। इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द करेंट अफेयर ऑफ द कंट्री एंड द वर्ल्ड। यह जो है देश तथा विदेश के जो करंट अफेयर होते हैं, वर्तमान समय में कहाँ पे क्या घटनाएं हो रही है, इसके बारे में, करंट अफेयर के बारे में जानकारी देती है। इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट इज यूज्ड बाय ऑल रिलीजन। यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसका उपयोग सभी धर्म करते हैं, विच इज यूज्ड बाय ऑल रिलीजन। तो दोस्तों, आशा करते हैं ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। सो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू। जय हिंद।